गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम फुल सिंह योगी फ्रॉम श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भांड्रिज मोड़ दौसा। टुडे आई विल बी डिस्कस्ड अबाउट एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट सिक्स सेमेस्टर सिविल ब्रांच अकॉर्डिंग टू आर्टिस्ट सिलेबस। अपन डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी आपको डिटेल एस्टिमेट बनाना है, प्रिपेयर करना है कि आपको डिटेल एस्टिमेट की जो क्वान्टिटी है, कितने क्वान्टिटी में कौन सा कार्य करना है, तो वो अपन उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने देखा हो तो अपन ने क्या है कि एक टू रूम बिल्डिंग, थ्री सिंगल रूम बिल्डिंग्स, इसके अंदर क्वांटिटी फाइंड आउट की थी। उसी प्रकार अपन क्या है कि डिटेल से एस्टिमेट बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और एक ड्राइंग आपको पता है काफ़ी लेंथी होती है, यदि आप बोर्ड पर समझा रहे हैं, समझना चाहते हैं तो उसको काफ़ी टाइम लगता है। आपकी लैब होती है 3 घंटे की, उसके अंदर इसको किया जाता है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो वो नहीं। तो अपन क्वेश्चन लेके चलते हैं एक प्रिपेयर्ड डिटेल एस्टिमेट बनाने के लिए। तो आपका क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 13, प्रिपेयर द डिटेल एस्टिमेट ऑफ ए साइट ऑफिस ब्लैंक ब्लॉक। यदि आप ये कहें कि कोई एक ऑफिस साइट है जहाँ पर कोई ब्लॉक है, उसका आपको कंस्ट्रक्शन करना है, उसको डिटेल एस्टिमेट बनाना है। तो यदि मैं आपसे ये कहूँ कि फॉर द गिवन प्लान एंड सेक्शन, आपको डायग्राम में गिवन है, ठीक है, जिसका प्लान दिया हुआ है और सेक्शन दिया हुआ है, उसको पहले आपको समझना होता है कि जैसे ड्राइंग होती है, ठीक है। ड्राइंग यदि आपको समझ में आ जाती है तो आप प्रिपेयर जो डिटेल एस्टिमेट बनाने वाले हैं वो इजीली आप बना सकते हैं। इसी स्पेसिफिकेशंस ऑफ द बिल्डिंग आर गिवन बिलो। आपको स्पेसिफिकेशन जो दिए हुए हैं वो यहाँ पर नीचे गिवन है आपको, ठीक है, कि आपके स्पेसिफिकेशन क्या है। लेकिन आपको पहले क्या है कि ड्राइंग देखनी है कि वो ड्राइंग किस तरीके की है, जिसका आपको डिटेल एस्टिमेट बनाना है। देखिए, आपको ये प्लान दिया हुआ है, ये आपको प्लान दिया हुआ है, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, आप ये रूम दिया हुआ है 6x6 × 3.6 मीटर का आपको एक बड़ा रूम दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ये विंडो है, यहाँ पर ये डोर है, ये जो वॉल्स है उसकी जो विड्थ है वो 30 मीटर है, यहाँ पर ये विंडो है, वॉल्स की थिकनेस 30 मीटर है, ठीक है। ये बाहर निकलता हुआ जो हिस्सा है आपको जो शो कर रहा है वो 1.2 मीटर है। नीचे यहाँ पर आपको अटैच में वाल WC है, ये आपको डोर है, ये भी आपका डोर D1। यहाँ पर ये आपको बरामदा शो कर रहा है 3.4 × 2.5 मीटर का है, आपकी जो एरिया जो है इसका वो आपको 3.4 × 2.5 मीटर का आपको बरामदे की साइज़ दी हुई है। नीचे आप यदि देखेंगे यहाँ पर तो ये आपकी जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ शो कर रहा है कि आपको जो एंट्रेंस पार्ट है जहाँ पर आपकी एंट्री है वो आपका 1.5 मीटर का आपका विड्थ की सीढ़ियाँ जो दी हुई है वो है। यहाँ पर ये विंडोज शो कर रहा है, आपकी जो लैट्रिन बाथरूम जो शो कर रहा है लेट बात, उसके पीछे वाला पार्ट है। ये आपका प्लान है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये प्लान है, ठीक है। ये आपके वॉल्स हैं, आप यदि देखना चाहें तो ये वाली जो दीवार है बीच वाले, उसकी जो विड्थ है वो कम है कंपेरिजन में अदर वॉल्स के लिए, ये वाली वॉल्स जो है वो कम है, ठीक है। यदि मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ तक जो विड्थ दी हुई 30 मीटर दी हुई है, लेकिन नीचे वाले की कम विड्थ है। यदि अपन इसमें बाद में डिस्कस करेंगे कि इसकी कितनी साइज़ है, ठीक है, लेकिन यदि आप देखना चाहते हैं तो इसका सेकंड जो पार्ट है, सेक्शन जो दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए, आप यदि ये कहें कि साइड वाली जो दीवार थी उसकी जो विड्थ थी नीचे से कितनी है, 80 सेंटीमीटर, फिर 50 सेंटीमीटर, फिर 40 सेंटीमीटर, आपको यहाँ पर RL दिया हुआ है ऊपर की तरफ, ठीक है। वॉल्स के लिए यदि जो दीवार है आपके ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपका कितना है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर जो साइज दी हुआ है 2.5 सेंटीमीटर DPC अपने प्रोवाइड करवाई गई है आपके प्लिंथ लेवल पर, ठीक है, जहाँ पर आपने साइज दी हुई ग्राउंड लेवल से ऊपर लेकर, ठीक है। तो ये किस टाइप की जो वॉल्स है उसके लिए कितनी साइज है। नेक्स्ट में यदि मैं बात करूँ बीच वाली जो दीवार थी जिसकी मैं बता रहा था कि आपको बाथरूम्स जो थी लेट बात थी वहाँ पर आपको जो पार्ट दिया हुआ था, जो वॉल्स थी वो उसकी जो विड्थ थी वो कम थी, उसकी विड्थ जो है वो कम है, तो वो यदि आप शो कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो नीचे जो विड्थ दी हुई है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। आपकी एक्सकेवेशन के वाला पार्ट के अंदर मैं बात करूँगा, यहाँ पर जो गिवन है आपको 40 सेंटीमीटर,
फिर 30 सेंटीमीटर ये वाला, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ये आपको साइज में डेप्थ दी हुई है, साइज में आपको डेप्थ दी हुई है, इधर वाले पार्ट की भी आपको डेप्थ दी हुई है कि आपकी फर्स्ट फुटिंग फुटिंग जो है उसकी डेप्थ इतनी है, सेकंड फुटिंग है उसकी डेप्थ इतनी, जो आपका पार्टों में डिवाइड किया, फुटिंगों में अलग अलग पार्ट किया गया है ग्राउंड लेवल तक और फिर फ्लिंथ लेवल तक आपको जो साइज है वो दी हुई है, डेप्थ है। यदि मैं साइड वाला जो पार्ट है ये पी क्यू वाला हिस्सा जो आपका बाहर वाला जो हिस्सा था वो इसको शो करेगा, ठीक है। इसकी भी इसी प्रकार से आपका फुटिंग्स दी हुई है, डेप्थ दी हुई है, बेड जो दी हुई है साइड वाली वो है। तो ये आपका एक क्रॉस सेक्शन है, सेक्शन एक तरीके से है। आपको यहाँ पर अब छत का लेवल दिया हुआ है, ठीक है। अगर जहाँ अपन विंडो डोर प्रोवाइड करवाते हैं ऊपर, आपका जो वाटर रेन वाटर जो आता है उससे बचने के लिए अपन क्या है कि वहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट प्रोवाइड करवाते हैं, उसकी जो साइज है वो दी हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिटेल से आपको बतानी है डिटेल एस्टीमेट के अंदर कि कितनी क्वांटिटी में कार्य करना पड़ेगा, उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो वो आपका एक प्रिपेयर डिटेल एस्टीमेट हो जाता है। तो जो सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने आपको ये इसमें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप देखिए एक एक चीज़ को समझना है आपको एक तरीके से। तो ये आपका सेक्शन है, आप स्क्रीन शॉट ले लेना, फिर आपको जहाँ पर मैं शो करूँगा वहाँ से आप देख सकते हैं उसको। चलिए अपन प्रीवियस क्वेश्चन पर आता हूँ मैं एक बार, एक सेकेंड। ओके, देखिए आप फर्स्ट पार्ट के अंदर यदि आप ये कहें फाउंडेशन एंड प्लिंथ, जो आपको स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, आपका जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसका स्पेसिफिकेशंस जो पार्ट है वो दिया हुआ है। तो अपन प्लिंथ एरिया की मैं बात करूँ, फाउंडेशन एंड प्लिंथ, जहाँ पर आपको क्या करना है, सेकेंड क्लास ब्रिक्स इन लाइम मोर्टार ओवर ए सीमेंट कॉन्क्रीट 1:6:12 इन फाउंडेशन। यदि मैं आपसे ये कहूँगा जो आप फाउंडेशन कर रहे हैं, आपको जो प्लान दिया हुआ है एक ऑफिशियल साइट वाली ऑफिस दी हुई है जिसका ब्लॉक दिया हुआ है एक एक तरीके से, उसका आपको कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए जो प्लिंथ ले रहे हो आप उसमें लाइम मोर्टार यूज करना है ओवर सीमेंट कंक्रीट के लिए, और उसका ऐसा 1:6:12 रहेगा। प्लिंथ लेवल की यदि बात कर रहे हैं आप सेकंड क्लास ब्रिक मशीनरी करेंगे, सेकंड क्लास ब्रिक्स यूज़ करेंगे अपन। उससे अगर आप ऊपर आएंगे तो डीपीसी प्रोवाइड करवाते हैं, डैम प्रूफ कोर्स, जो डैम प्रूफ कोर्स है उसकी जो थिकनेस है, मोटाई जो है वो आपको 2.5 सेंटीमीटर की थिकनेस लेनी है, थिक सीमेंट कॉन्क्रीट लेना है 1:1.5:3 विथ स्टैंडर्ड वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स की आपको डीपीसी प्रोवाइड करवानी है, ठीक है, और वो 1:1.5:3 में लेनी है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ उससे ऊपर जो आप सुपर स्ट्रक्चर करेंगे, सुपर स्ट्रक्चर में सेकंड क्लास ब्रिक मशीनरी कर रही है इन मड मोटार एक्सपेक्टेड यूज इन जेम्स सील्स अपर 10 सेंटीमीटर एंड लोअर 10 सेंटीमीटर ऑफ द वॉल विच सेल बी सेकंड क्लास ब्रिक वर्क इन लाइम मोटार 1:2। यदि आप कहें कि जो अपन को क्या है कि ब्रिक मशीनरी करनी है, सेकंड क्लास ब्रिक मशीनरी करनी है आपकी सुपर स्ट्रक्चर में, जहाँ पर आपको सील अपर पार्ट दिया हुआ है वहाँ से 10 सेंटीमीटर और बिलो 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यदि मैं रूफ की बात करूँ, छत जो आपको बनानी है वो आपको लाइम कंक्रीट ट्रेसिंग ओवर आरसीसी स्लैब विथ ए इंसुलेशन लेयर, या इंसुलेशन लेयर जो अपन को बनानी है, रूफ जो बनानी है, छत जो बनानी है, ठीक है, वो आरसीसी स्लैब की बनानी है एक तरीके से। नेक्स्ट फ्लोरिंग, जो नीचे वाला पार्ट अपन बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं, वो देखेंगे वो 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस सीसी सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 और 7.5 सेंटीमीटर लाइम कंक्रीट, जो लाइम कंक्रीट लेंगे वो 7.5 सेंटीमीटर का लेंगे। सील्स ऑफ डोर एंड बरामदा ओपनिंग सेल हैव ओनली 2.5 सेंटीमीटर सीसी फ्लोर, ऊपर से अपन जो सीसी प्रोवाइड करवाएंगे सीमेंट कंक्रीटिंग वाला पार्ट प्रोवाइड करवाएंगे वो 2.5 सेंटीमीटर का ही आपको प्रोवाइड करवाना है। ऐसे नहीं कि पूरे में आप जो थिकनेस दे रहे हैं 7.5 की उसके अंदर ही अपन सीसी प्रोवाइड करवा दें तो वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है एक तरीके से, ठीक है, तो इतना नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि
प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग, जो आप प्लास्टर करेंगे और पॉइंटिंग करेंगे वो इनसाइड 12 सेंटीमीटर थिक प्लास्टर विथ 1:6 सीमेंट सैंड मोटार एंड आउटसाइड सीमेंट पॉइंटिंग बाय अपॉइंटेड 1:3 इनसाइड व्हाइट वाश 3 coat. यदि मैं आपसे ये कहूँ कि अपन जो प्लास्टर करेंगे वो इनर पार्ट में 12 mm का करना है, ठीक है, प्लास्टर, और उसका 1:6 में लेना है, सीमेंट और सैंड का रेशो जो लेना है वो 1:6 में लेना है. और जब अपन जब पॉइंटिंग करेंगे या फिर अपन ये कहें कि जो कलर करना है उसके ऊपर, ठीक है, तो वाइट जो कलर करना है वो 3 coat करना है आपको. वाइट वॉशिंग जो करना है, कलर करना है, वो 3 coat का कलर करना है. नेक्स्ट जो पार्ट है डोर या विंडोज़, जो अपन क्वेश्चन में गिवन थी, सेक्शन में आपको शो कर रखा है, साइज आपको दी हुई है प्लान के अंदर कितना डोर और विंडो जो साइज़ है वो ये साइज़ है. तो वो आपको सेल्स सेल वुड्स पार्ट पैनल्स पार्ट ग्रेलाइज डोर एंड विंडो शुड बी पेंटेड 1 coat ऑफ प्राइमिंग. यानी कि आपको जो डोर और विंडो हैं उनकी भी आपको प्राइमिंग कोट करनी है एक तरीके से, ठीक है, कलर करना है एक तरीके से, आप ये कह सकते हैं सिंगल कोट, ठीक है. और विंडो और डोर जो है वो अपन जो पैनल जो प्रोवाइड करवाएंगे वो सेल वुड का प्रोवाइड करवाएंगे. नेक्स्ट मिसेलेनियस विंडो डोर प्रोवाइड 60 cm डाया माइल्ड स्टील बार नेसेसरी ऑफ आयरन हॉल्ट पास्टिंग प्रोवाइड द डोर एंड विंडो. तो ये आपको नेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है. यदि मैं आपसे कहूँ कि डिटेल एस्टीमेट अगर आप बना रहे हैं तो ये आपका सिर्फ क्वेश्चन हुआ, ये सिर्फ आपका क्वेश्चन है कि इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं. तो आप ये जो क्वेश्चन जो है तो ये आपका काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है एक तरीके से. आप ये कहेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन में 15-20 मिनट लग जाते हैं इसको समझने में पढ़ने में एक तरीके से, ठीक है. तो इसको सॉल्व करने में आपको कम से कम 3-4 वीडियो बनेंगे, ठीक है. और अगर एक ही वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा. तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि ये ज़्यादा लेंथी नहीं हो. इस वजह से मैंने क्या है कि इसको PPT में शो किया है, बनाया है इसको, ठीक है, जिसकी वजह से आप इजीली समझ सकें, ठीक है. तो इसमें क्वेश्चन आपके समझ में आया, आई होप. एक बार आपको और देख लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को पढ़ना है कि इसमें क्या क्या स्पेसिफाई है और आपको सेक्शन में क्या क्या दिया हुआ है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है. यदि मैं आपसे बात करूँ सेंटर टू सेंटर लेंथ, वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. तो रूम लॉन्ग वॉल जो आपका बड़ा रूम जो आपने मैंने दिखा रहा था प्लान के अंदर, ऊपर वाला जो पार्ट था उसका बड़ा वाला रूम था, उसकी जो इनर पार्ट था 6 meter लंबा था, ठीक है. तो 6 meter प्लस सेंटर टू सेंटर क्या होता है, इधर वाला दीवार जो है उसका आधा पार्ट, इधर वाली दीवार है उसका आधा पार्ट. तो इधर वाला मैंने आपको बताया दीवार जो कितनी थी 30 cm की थी, इधर वाली भी कितनी थी 30 cm की थी. तो 2 × 30 cm डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 6.30 meters. यदि ये वॉल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की होती तो आपको वो डिफरेंट डिफरेंट लेना पड़ता. जैसे कि इधर 40 की होती तो 40/2 प्लस इधर 30 की होती 30/2 प्लस 6 meter, ये आ जाएगा, ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना. तो ये अपने पास कितना आ गया 6.30 cm आ गया. नेक्स्ट रूम शॉर्ट वॉल्स, जो रूम्स की छोटी दीवारें हैं उनकी जो साइज़ थी मैंने आपसे बताया था कि इनर जो पार्ट है वो 3.6 meter का है. तो दोनों जो दीवारें हैं वो 30 cm की, ऊपर वाली नीचे वाली, ठीक है, उसका आधा आधा पार्ट अगर आप लेंगे तो ये आपके पहुंच जाएगी 3.9 meter. ये आपका बड़े रूम की जो साइज़ है वो उसका है. इस तरीके से अपन आगे सारे रूमों की कैलकुलेशन करेंगे, जो वॉल्स आपको दी हुई है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, और आगे सॉल्व करेंगे. देखिए आप एक बार टेबल बनाकर सॉल्व करना, देखिए एक बार किस तरीके से करते हैं. ये आपका प्लान है जो अपन देख सकते हैं. यहाँ पर आपको विंडोज़ जब विंडो फर्स्ट डोर फर्स्ट विंडो टू सेकंड डोर्स टू सेल्फ्स स्टेप्स ट्रेड्स राइज जो आपको दी हुई है, इनकी साइज दी हुई है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं. डिडक्शन पहले पार्ट में आपको ये करना है काम. नेक्स्ट यदि मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर ये सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें डेप्थ और बेड़ स्पेसिफाई एक तरीके से प्लान के अंदर आपको गिवन होता है एक तरीके से लेंथ वगैरह. नेक्स्ट जो आपको टेबल बनाए, टेबल देखिए आप डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंड कैलकुलेशन. यदि मैं बात करूँगा फर्स्ट पॉइंट के अंदर आता है आपका आइटम्स या नंबर, फिर सेकंड के अंदर पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स एंड डिटेल ऑफ वर्क, सेकंड के अंदर नंबर्स जो आपको कितने नंबर्स में क्वान्टिटी में आएगा, लेंथ बेड़ हाइट और क्वान्टिटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो आपको नोट जिसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको निकालनी होती है.
ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको देखते हैं। पहला काम आपका अर्थवर्क का है, किसका है? अर्थवर्क का। ठीक है, तो अर्थवर्क अपन करेंगे, और अर्थवर्क में आपका अर्थवर्क इन एक्सक्यूशन जो आपकी नीम खुदाई करनी है, नीम की खुदाई करनी है, तो वो आपको कितना क्वांटिटी में होना चाहिए वो किस तरीके से करेंगे देखिए आप। फर्स्ट पॉइंट में रूम की करेंगे अपन, पहला जो अपन बड़ा वाला रूम था उसकी बात करेंगे, तो लॉन्ग वॉल्स जो बड़ी दीवार थी उसकी बात करेंगे कितनी है वो, उसमें अगर प्लान में देखेंगे तो वो संख्या में कितनी है, 2 है। ठीक है, लेंथ, लेंथ जो है आपके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो आई थी वो 9.3 है, प्लस दोनों तरफ की आपकी दीवार जो होती है उसकी जो नीचे से वाला पार्ट होता है उसमें जुड़ता है। ठीक है, तो आप इधर वाली दीवार में देखेंगे तो वो कितना था, 80 था। ठीक है, तो 80 दोनों तरफ से है तो 80 वाला पार्ट जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7.10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7.10। तो लेंथ 7.10, ब्रेथ 0.80, डेप्थ टोटल जहाँ तक आपको RL दिया हुआ है, ग्राउंड लेवल दिया, GL दिया हुआ है, ग्राउंड लेवल दिया हुआ है, वहाँ तक आपको एक्सक्यूशन करना है, तो उसकी जो पूरी जो डेप्थ है वो आपको ये लेनी होती है एक्सक्यूशन वाले पार्ट में। तो और टोटल इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी आ जाती है आपके पास, टोटल क्वांटिटी आ जाती है। आप देखेंगे तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्वांटिटी आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट चीज़ में बात करूँगा शॉर्ट वॉल्स, जो शॉर्ट वॉल्स है वो 2 है। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो 3.1 है, 3.1 कहाँ से, 3.9 आपका जो है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आई थी। लेकिन मैं बात करूँगा कि शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल मेथड से अगर आप कर रहे हैं तो उसमें से क्या है, माइनस होती है, क्या होती है, शॉर्ट वॉल में से माइनस होती है जो बिड्थ आपको दी हुई होती है, तो आपको जो बिड्थ दी है उसको माइनस करेंगे। ठीक है, 0.80, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.10 बिड्थ, 0.80 डेप्थ आपकी वही रहेगी, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। इसी तरीके से बात WCV लॉन्ग वॉल्स जो आपकी संख्या में 1, लेंथ आपकी 3.3, तो आप यहाँ देखेंगे 2.75 प्लस 2 × 6.6 डिवाइडेड बाय 2, ये आपको टोटल लेंथ लेंगे। तो इस तरीके से ये शॉर्ट वॉल्स में क्या है, माइनस हो जाएगा, 2.75 जो है उसमें से शॉर्ट वॉल में माइनस हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये आप तीनों को क्वांटिटी, जो लेंथ और ब्रेथ है और हाइट है, इसको तीनों को क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है, शॉर्ट वॉल्स बरामदे की जो शॉर्ट वॉल्स है उसकी अगर आप प्लान के अंदर देखेंगे तो वो इतनी आएगी, तो क्वांटिटी है वो आएगी। अपन प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिस्कस किया था कि इस तरीके से इसकी क्वांटिटी निकालने हैं। ठीक है, टोटल जो एक्सक्यूशन करेंगे अपन, जो टोटल आपके पास आएगा वो आएगा 19.78। ये ड्राफ्ट वॉल्स है जो साइड में अपन को दी हुई थी प्लान के अंदर, अगर आप देखेंगे ड्राइंग आप पर आता है तो। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया है, कुछ नहीं किया, जिसकी जो लेंथ है टोटल लेंथ ले लेते हैं, ब्रेथ आपको दी हुई है सेक्शन में देखते हैं। ठीक है, सेक्शन में से ब्रेथ देखिए और उसकी हाइट, ब्रेथ और हाइट जो देखना है वो सेक्शन में से देखनी है, और लेंथ जो देखनी है वो प्लान के अंदर से देखनी है। इस तरीके से जो टोटल क्वांटिटी आएगा वो आपके पास 19.78 आएगा। तो इस तरीके से टोटल क्वांटिटी अपन ज्ञात कर सकते हैं, और इससे आगे अपन जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।